गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में एलर्जी पढ़ रहे थे। एलर्जी हम लोग देखे थे कि एलर्जी मतलब हम लोगों का बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज एंट्री लेता है तब कभी कभी हम लोगों का बॉडी में वो अगर हार्मफुल नहीं भी है तब भी हम लोगों का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है जिसे हम लोगों को प्रॉब्लम्स होता है उसको कहते हैं एलर्जी। और जो चीज हम लोगों का बॉडी के अंदर जाते हैं उसको कहते हैं एलर्जन। तो ये एलर्जन कहां-कहां से एंट्री लेता है ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि स्किन, नोज एंड माउथ, ये तीन जगह है जहां से हम लोग का बॉडी के अंदर ये एलर्जन एंट्री लेता है। और स्किन से रिलेटेड एलर्जी को स्किन एलर्जी, नोज से रिलेटेड को नसल एलर्जी एंड माउथ से रिलेटेड को ओरल एलर्जी कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एलर्जी का टाइप्स कितना टाइप का होते हैं। दो टाइप्स का एलर्जी यूजुअली होता है, एक है सीजनल एक है पेरिनियल। सीजनल नाम से हम लोग को पता चल रहा है सीजन के हिसाब से ये किसी को होता है किसी को नहीं होता है। सीजन मतलब जब सीजन चेंज हो गए एक पर्टिकुलर सीजन आता है उस सीजन में ये एलर्जी किसी आदमी को हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि समर में जब धूप बहुत होता है तो धूप जो जब हम लोग का स्किन के साथ डायरेक्ट टच होता है तब ये एलर्जी किसी किसी आदमी को हो सकता है। स्किन के ऊपर रैशेस होता है, रेड हो जाते हैं, तो ये स्किन एलर्जी लेकिन ओनली समर सीजन में होता है, बाकी दूसरे टाइम में ये नहीं होता है। सीजनल एलर्जी का और एक एग्जाम्पल है स्प्रिंग सीजन में जब ब्लूम्स होता है फ्लावर बहुत सारा, वो फ्लावर्स का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो हवा के साथ, हवा भी चलते हैं स्प्रिंग सीजन में तो हवा के साथ ये पॉलन ग्रेन्स इधर उधर जाते हैं, तब हम लोग को सांस के साथ ये हम लोग का बॉडी में एंट्री ले सकता है। और कभी कभी किसी आदमी को अगर इसमें एलर्जी हो तो ये ओनली स्प्रिंग सीजन में दिखाई देगा। और ये पॉलन ग्रेन्स से रिलेटेड एलर्जी को कहते हैं हे फीवर, इससे इनका प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें वही नाक के अंदर से हम लोग का बॉडी में अनएंट्री लेता है, नाजल जो एलर्जी का सिम्टम्स है वही दिखाई देता है। और एक होता है बरसात में जब बारिश होता है तब फंगस ग्रो करता है, फंगस के साथ कभी कभी किसी आदमी को अगर एलर्जी हो तो वो दिखाई देता है, वो है सीजनल एलर्जी। और पेरिनियल एलर्जी मतलब कि सारा साल भर में जो एलर्जी हो सकता है, जैसे जिसका डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी मतलब जहां पे डस्ट है वहां पर यह आदमी अगर जाएगा तो इसको एलर्जी रिएक्शन दिखाई देगा। डस्ट एलर्जी से भी वही नाक से पानी बहना या सर्दी लग जाना, छींकना, ये सब एलर्जी का पेरिनियल एलर्जी एक है, ये डस्ट एलर्जी का सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ एलर्जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब एक आदमी को एलर्जी हुआ है ये आप लोग कैसे पता चलेगा। आप लोग अगर देखेंगे कि आदमी, देखिएगा आप लोगों का बुक में बहुत सारा पॉइंट्स 10 पॉइंट दिया है, देखिएगा, लेकिन सबको एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी आदमी को ये दिखाई देता है किसी को दूसरा। ठीक है, तो ये दिखाई देने से हम लोगों को टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, करके पता चलता है कि इसका किसमें एलर्जी हुआ है। तो ये रिएक्शन अगर होगा तो क्या क्या हो सकते हैं इसका कुछ लिस्ट दिया है, जैसे स्नीजिंग मतलब छींकना, ब्लॉक या रानी नोज मतलब नाक से पानी बहना या नाक पूरा बंद हो जाना, ये एक कॉमन एलर्जी सिम्टम्स है। नेक्स्ट है काफिंग, काशना मतलब खांसना, ये भी एक रिएक्शन का सिम्टम्स है। नेक्स्ट है रेड इची एंड वाटरी आईज, आंख लाल लाल हो जाना या आंख से पानी बहना, हाँ, या खुजली होना आंख के अंदर, ऐसा। व्हीजिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ, हाँ, सांस लेने के समय में एक आवाज निकालना, ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट है साइनस पेन, साइनस मतलब सर दर्द, साइनस पेन मतलब सर दर्द जो है वो पेन होने से भी आप लोगों को कभी कभी दिखाई देता है, वो एलर्जी के कारण में हो रहा है। नेक्स्ट है रेडनेस ऑफ स्किन एंड रैशेस, बॉडी के ऊपर जो स्किन होता है ये स्किन में रेडनेस मतलब लाल लाल हो जाना या इचिंग होना या कुछ रैशेस निकालना, घाव लाइक कुछ दिखाई देना, ऐसा ये भी सिम्टम्स है। नेक्स्ट है स्वेलिंग टांग, थ्रोट, लीव्स, आईज, आईलिड्स एंड बॉडी पार्ट्स, कभी भी कोई भी पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा ये मुंह में दिखाई देता है
या कोई भी पार्ट्स में दिखाई देता है फूल जाना, थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, तो इसको भी आप लोग एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में दर्द एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा जिसे कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है एलर्जी का। नेक्स्ट है वॉमिटिंग होना, उल्टिया होना, पेट में दर्द होना एंड वीकनेस, बहुत टायर्ड फील करना एंड डिजीनेस, मतलब कि सारा दिन लग रहा है कि आपको सोना चाहिए, ऐसे नींद आ रहा है ऐसे, या फेंटिंग, फेंटिंग मतलब एकदम सेंसलेस हो जाना, ये सभी है सिम्टम्स। लेकिन कुछ एलर्जी ऐसा भी हो सकता है जो जानलेवा होता है, जैसे कि उसको नाम है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस मतलब कभी कभी ये एलर्जिक रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि इसमें जान भी जा सकता है, इसको कहता है एनाफाइलैक्सिस। और जब हम लोगों का बॉडी में ऐसा कुछ जाने के बाद अगर इम्यून सिस्टम हम लोगों का कुछ केमिकल जो सिक्रेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि एक आदमी का शॉक लग जाता है, जिसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसके कारण से ये मर भी सकते हैं, इसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक और बीमारी को कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। और इसका कॉमन सिम्टम्स यही है कि प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम हो जाना, अचानक बढ़ जाना या अचानक कम हो जाना, एंड ये पल्स जो है हम लोगों को आप लोग जानते हैं पल्स ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, एंड स्किन में रैशेस एंड वॉमिटिंग, ये सब होने से आप लोगों को जल्दी जल्दी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, नहीं तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा है एलर्जी का जो सिम्टम्स, ये देख लिए। नेक्स्ट है हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। हम पहले ही बोले हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक दवाई खाने से ये एलर्जी नहीं होगा। अगर हम लोगों को एलर्जी से बचना है तो हम लोग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, जिससे जिससे एलर्जी होता है किसी आदमी को अगर पता चले तो उससे दूर रहना। तो ये कैसे प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय।